हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू बूलियन एक्सप्रेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो इसका ट्रूथ टेबल से किसका सेम ट्रूथ टेबल मैच कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर दोनों का ट्रूथ टेबल सेम इनपुट पे सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपने जब आप ट्रूथ टेबल से बनाएंगे। आज इस क्वेश्चन को हम सेट थ्योरी से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा समय सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी में क्या होगा कि अगर दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेट सेम है, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो देखिए उसमें क्या करना होता है, जैसे ये एंड का है इसको हम साइन चेंज कर देंगे, किसमें इसको साइन कन्वर्ट कर देंगे, इसमें इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये भी एक सिंबल है इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे सेट में इंटरसेक्शन में। ये निगेशन जो है इसको कंप्लीमेंट में, ये हो गया आपका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये Q और P है तो इसको A और B रख लेते हैं। P को अगर हम सेट A लिखते हैं, P को सेट A एंड Q को हम सेट B लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है कि P इंप्लीकेशन Q या P इंप्लीकेशन क्यू, इसका मीनिंग होगा ये इक्विवेलेंट होता है सेट के थ्योरी से। इसमें निगेशन ऑफ पी लगाएंगे, यानी निगेशन मतलब कंप्लीमेंट हो गया, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी। पी के जगह आपने ए रखा है, इसको आप कह सकते हैं पहले ए पी क्यू में कि पी का कंप्लीमेंट यूनियन क्यू। अब यही है आपका, पी को हमने ए रख लिया तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये है P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका मीनिंग हो गया कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अब हम देखेंगे कि इसमें A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट कौन सा है, अगर जो होगा वही इसके इक्विवेलेंट है, नहीं होगा तो नॉट इक्विवेलेंट। जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट में आपका निगेशन Q इंप्लीकेशन P, तो निगेशन का मीनिंग हमने कहा कि कंप्लीमेंट है तो होल पे सेट पे लगाएंगे। पहले Q इंप्लाइज इंप्लीकेशन P, इसको क्या लिखेंगे निगेशन ऑफ Q यूनियन P, निगेशन और फिर होल पे कंप्लीमेंट है, ठीक है, इसका निगेशन। तो देखिए Q को हमने कन्वर्ट कर दिए हैं बी में, तो ये हो गया आपका बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए होल पे कंप्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। क्या ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल है, सेम है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट या बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ पी फिर इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, तो इसका निगेशन यानी एक बार पहले हम इसको लिख देते हैं निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ये हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड और निगेशन ऑफ क्यू, तो दो बार कंप्लीमेंट, तो ये आपका पी हो गया यानी सेट ए हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्या ये सेट और ये सेट सेम है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, यहां ए यूनियन यूनियन में आ गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये भी सेट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आपका निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो पी का मीनिंग है आपका ए, पहले इसको लगाते हैं, इतने को लगाते हैं, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट होल पे कंप्लीमेंट, ये पी क्यू को लिखे हैं बी, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट होल पे कंप्लीमेंट, क्योंकि ये होल पे
निगेशन लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और यहां पे आपका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फोर्थ होगा, लेकिन फोर्थ को भी हम चेक कर रहे हैं, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू, तो पी इंप्लीकेशन क्यू को क्या लिखेंगे, पहले पी को लिखते हैं ए और इसका कंप्लीमेंट यूनियन क्यू होल पे, और क्यू मीन्स बी, आप पी और क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, हम सेट में लिए हैं इसलिए पी क्यू को हम ए और बी में कन्वर्ट किए हैं, इसका कंप्लीमेंट, फिर डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए, यूनियन कन्वर्ट होता है इंटरसेक्शन में, और बी का कंप्लीमेंट, देखिए ये फोर्थ जो है आपका सेम रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम सेट थ्योरी की हेल्प से करेंगे, तो हमको ट्रूथ टेबल नहीं बनाना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा, इसमें हम अगर ज्यादा रहेगा तो वेन डायग्राम के हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है सेम रीजन को शो करता है, वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।